डक रहा था उस पर, मैंने लीले लीले निशान हो रहे थे, आड़े भी निशान हो रहे थे, आड़े भी निशान हो रहे थे। मुने के पापा तक गई बेटी तो मार दिया तो। और मेरे पेट में अभी 6 महीने का बेबी है और फिर भी अपने पति को अपना शरीर दो और नाक दो तो वो पत्नी किसी और की हो जाती है। मम्मी अगर एक लड़की अपना तन ना दे सके तो वो अपने पति की नहीं हो सकती है। जिमीदार मीडिया के सारे भाइयों ना, राम राम। मैं आपका दोस्त इरशाद खान। तो हम आप पहुँचे हैं कोंड गांव में, जहां पर एक गर्भवती महिला को उसके सास ससुर और के उसके पति ने हत्या करके मार डाला है। आप लड़की के पिताजी हो? हाँ, मैं पिताजी हूँ जी लड़की। आपको कैसे क्या पता चला? परसों पता लगा था जी, परसों सवेरे 9:30-10 बजे के आसपास जी, कि लड़की को दौरा पड़ गया जी, झूठ बोल कर बुलाए जी हम उन्होंने। तो वहाँ जाए पीछे देखा तो लड़की मान ले उसकी नाड़ घोट का हत्या कर दी गई थी जी, और मान लो एकली पड़ी थी वो, उसके जेवर जावर सब निकाल लिए थे जी। तो मतलब लड़की पड़ी थी बेड पर, उसके गले में निशान था, मतलब जानबूझ कर तो टंगी नहीं होगी वो, उसको टांगा गया होगा मार के। हाँ, पूरी प्लानिंग के साथ मार रखी थी जी वो जी। और पूरा परिवार है जी, मान लो अमित है जिसका हमने शादी कर रखी थी बेटे का नाम, और उसके पापा का नाम है जी ये सुंदर, और एक महेंद्र है जी, और एक उसकी बुआ है, और एक उसकी सास है जी। लड़की से आपकी आखिरी बात कब हुई थी जी? लड़की तो हुई थी जी हमारी जी परसों रात को जी। तो क्या कहा उसने? ठीक ठाक बोला था जी उसने, मेरी गुड़िया तो बात हुई थी उसकी जी। ऐसा कुछ लग रहा था कि आपकी लड़की घबराई हुई है वगैरह कुछ? ना जी, कोई घबराने वाली बात नहीं थी, जो परसों वाली रात गई है उसी को उन्होंने डेथ कर दी जी, उसकी मार कर जी, गला घोट कर जी। तो जी एक मतलब एक सास ससुर इतने रंगकुश हो सकते हैं क्या? मतलब अपनी खुद की बहू को मार सकते हैं, हत्या कर सकते हैं, मतलब हमारा समाज कहाँ जा रहा है जी? लड़की की माता कहाँ है? अंदर बैठी है। लड़की की माता कौन? आंटी जी आपको कैसे पता चला कि लड़की की हत्या कर दी गई है? मैंने तो सिरडवाड़े में जाकर पता चला जी, मैंने तो तेनु कहा था तेरी चोरी का चक्कर आ रहे है, वह सात महीने की प्रेगनेंट थी, मैंने सोची हो गया होगा इसे हालात में आए जावे चक्कर जी, मोड़ गई मेरी बेटी नू लौटी थी, चादर पर चादर भी नहीं कट्टी हो रही थी, आपे को मरी आप या इसका कुछ नहीं हो रहा था, चक्कर भी नहीं आ रहे थे इसने, इन्हें तो मार दीजिए, वह रात की मार रखी थी, मारे दौरे तो तड़की 10 बजे फोन आया, चल मेरी बेटी नू ना मार दी थी, उन्हें 7 बजे क्यों नहीं फोन करा तड़की? पुलिस ने इस बारे में कुछ कार्रवाई नहीं करी जी? लग तो को एक भी बंदा रेजिस्टर नहीं करा जी, एक भी नहीं। 24 घंटे का टाइम मांगे तो जरूर हमारे तरफ तो फोन जब करा, जब 17-17 बांध लिया था उन्होंने, जब कहा था भी दौरा पड़ रहा था, छोरी चक करा रहे हैं, सारी तैयारी कर रहे, संस्कार की तैयारी कर रखी थी। लड़की तो आपकी आखिरी बात कब हुई थी जी? मेरी तो 17 ने नहीं, वो दिन गई थी उसे दिन हुई थी, बस सांझ का भी पहुंच गई के नहीं, रक्षाबंधन पा रही थी जी, 11 तारीख की रक्षाबंधन थी, 12 तारीख को चली गई थी नहीं यहाँ से, हाँ जी हाँ। अरे उ दिन मरी, उ दिन से हम न मारी, उन्ना उ दिन इस बात हुई थी मेरी बेटी था, उन्होंने कहा था फोन करिए थोड़ी देर में। आपका नाम क्या जी? नैन्सी। आपसे आखिरी बात कब हुई थी? 17 तारीख की रात को। क्या कहा था? बस जैसे रोज डेली बात करती थी वैसे ही, ठीक ठाक बस। आपको पता नहीं चला कि मतलब बात करने के तरीके से कुछ घबराहट है या कुछ और है? नहीं कुछ नहीं पता लगा, 7:30 बजे उसका एक मैसेज आ रहा था, एक बार फ़ोन कर लिए तो मैंने वो मैसेज 8:30 बजे देखा, 1 घंटे बाद,
जब उसने मैसेज किया होगा, जब अकेली होगी वो, जो कुछ बताना भी चाहती होगी, तो मैंने मैसेज देखा 8:30 बजे, जब उसके पास सारे थे उसकी फैमिली वाले, और उसकी फैमिली वाले कभी भी अकेले बात नहीं करवाते थे उसकी, बीच में बिठा के रिकॉर्डिंग पे लगा के और स्पीकर ऑन करके जब बात करवाते थे, उस दिन भी पूरी फैमिली उसके पास बैठी थी जब उसने मेरे से बात करी। डायरी लिख रखी है वो डायरी, दहेज की मांग थी, पूरे पिटा कर रहे थे और दहेज मांगा कर रहे थे पूरा। और अब की बार तो ना ये बोल रखा था कि ससुर जी की सोने की अंगूठी चाहिए, बहुत मारे थे। लड़के में कुछ ऐब वगैरह नशा पता करता हो? नशे का नहीं पता, हमें करता था, कमाया नहीं करता था। बस पहले कभी मार पिटाई की शिकायत आई हो? कुछ नहीं, डायरी हमने पहले कुछ नहीं पता था, हमें तो डायरी में पढ़ा, जब डायरी में पता चला, जब बाद में डायरी पढ़ी हमने सारी, पहले कुछ नहीं पता। डायरी में क्या लिख रखा था गुड़िया? बस ऐसे ही कि जिस दिन पहले दिन गई थी ना, उस दिन से आखिरी दिन तक बहुत मारे उसको। तो शुरू तो है अखर दही की, जब जिन उसकी ससुराल में मतलब पहली रात तक आखिरी तही की सारी बात लिख रखी थी, अत्याचार होने जितने अत्याचार हुए हैं सारे लिख रखे हैं उन्हें, कोथड़ी के सीधे के मांग की डिमांड के सब कुछ ना, सब कुछ डेयरी में लिख कर जा रही है। सासू का सूट पसंद नहीं आया, सासू का जूती पसंद नहीं आई, 350 की जूती पचाई, 3 बार उल्टी आई यहाँ, 3 बार वो नई नई जूती लेगी, बार बार ये कहती रही अपने जैसी क्यों नहीं लाई, अपने जैसी क्यों नहीं लाई, वह आई बार बदल कर चली जाती जूती, नुकती अपने जैसी लेती, 3 बार जूती उल्टी आई, 3 बार सारी लिख रखी इसमें। हमने पता नहीं चल रहा आगे जूती कैसे उल्टी आ रही हैं, कैसे जा रही हैं, अब भाई बेटी पर दाब पड़ रही है, जाए तो उल्टी आ रही हैं ये, हमने सोची पसंद नहीं आई, घर की दुकान उनका भी है, घर की मारे भी है, अब पसंद नहीं आई, चलो और ले जाएगी बेटी, हमने नू तो नहीं पता चला कि दहेज की उसमें वो कर रहे हैं। तो जी जैसा आपको बताया जा रहा है कि दहेज के चक्कर में मारी गई है लड़की, अभी सामन में भी और पचार में बगड़ में बखेर दिया, बगड़ में बखेर दिया ने बोली यूं ही घेवर आया, अब रुपये लग गए, हम तो 11 किलो घेवर मंगा था, 8 किलो घेवर भेज रखा है, उसकी ननद ने उसकी सासू ने सारा बगड़ में को बखरा दिया, छोरी ने भी सहन करी, मैं बिना बताई मैं सारी लिख रहा की। तो जी लड़की के द्वारा एक डायरी लिखी गई है, उस डायरी को हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या लिख के गई है क्या नहीं लिख के गई है। गुड़िया एक बार पढ़ना पूरी। हाँ तो पढ़ो जितना जो लिखा है। मम्मी मैंने माफ़ कर दियो क्योंकि मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ी नहीं हो पाई, मैं नहीं सह सकती उनके बातें ताने, मम्मी कब तक सहूंगी, मम्मी क्या लड़कियां यही क्या लड़कियों की यही लाइफ होती है कि अपने ससुराल जाओ, उनका काम करो, अपने पति को अपना सारा शरीर दो, सबकी सुनो और फिर भी कोई कदर नहीं। मम्मी मैंने भी पता था कि ऐसा ससुराल होता है, मम्मी आप एक बार मेरे पेट में अभी 6 महीने का बेबी है और फिर भी अपने पति को अपना शरीर दो और नाक दो तो वो पत्नी किसी और की हो जाती है। मम्मी अगर एक लड़की अपना तन ना दे सके तो वो अपने पति की नहीं हो सकती है, क्या सिर्फ पति पत्नी शरीर का ही रिश्ता होता है। मम्मी मैं मुझे पता नहीं किस उम्मीद पर टिकी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा, मन तो ये करता है कि सब कुछ ख़त्म कर दूं, बस अपना शरीर ही ख़त्म कर दूं, फिर सब ठीक हो जाएगा, मैं मर जूं और फिर सब ठीक हो जाएगा। मम्मी आज मैं अपनी सारी परेशानियां आपको बता रही हूं क्योंकि मेरी बात कोई नहीं समझता। मम्मी मैंने सब कुछ आपको बताया है क्योंकि आप हो मेरे और कोई मेरा नहीं है। मम्मी मेरा आपके सिवाय कोई नहीं है, मम्मी पति सिर्फ मेरे शरीर से जुड़ा है। तो जैसे देखा जा रहा है कि लड़की ने इतनी बड़ी बात अपने मन के अंदर दबाए रखी, वो सिर्फ लिखती रही, क्या मतलब एक हस्बैंड अपनी वाइफ के प्रति इतना क्रूर हो सकते हैं, उसके सास ससुर मतलब यहाँ तक कि एक गर्भवती महिला 7 महीने के बच्चे के ऊपर भी उन्होंने रहम नहीं किया।